Hello everyone, welcome back to NCRT Learning Academy. So today we are going to do the 7 integers for the Olympiad session 1. Let's start. We are going to do introduction to numbers. What are basically numbers? Numbers kya hai basically? Numbers are expressed by 0, 1, 2, 3, 4, 5. They are basically expressed in this way, you all know. And the numerals are basically how they are. So basically, numerals are a group of figures representing number. These are numerals. These are basically numerals. And a number is an arithmetic value which is used to represent the quantity of an object. वो एक arithmetic value होती है जो represent करती है कोई भी एक object की quantity. For example, I want 5 apples from a shop. So I will basically I need apple. मैं shop से बोल रहा हूँ, shopkeeper से बोल रहा हूँ मुझे apple चाहिए. वो पूछेगा आपको कितने किलो apple चाहिए या फिर आपको कितने apple चाहिए. I will be saying him 1 kilo. We are using the numerals here, you can see here. Okay. In the previous classes, you have learned about types of numbers. How many types of number there are? There are many types of number. Types of numbers. Number 1 is natural number. Natural numbers. What are natural numbers? They are also denoted by n. They are denoted by n. What they are? They are the numbers which start from 1 and go to infinity. They start from 1. The next one is whole number. We have also learned about this in the previous classes, and these are denoted by W, and these are the numbers that start from 0 and go to infinity. These start from 0. These are basic things. One question can also come. Is 0 a whole number or natural number? In 1 mark question, this can also come. So you will be answering whole number. A 0 is a whole number. Okay. Next are integers. जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पूरा पढ़ेंगे. इंटीजर्स हम डिफाइन करते हैं जेड से. अब ये कैसे हम डिफाइन करेंगे? जैसे कि जेड में जो होती है ये एक सेट होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर. अब यहाँ पे आप लोग पूछोगे यहाँ पे हम होल नंबर क्यों बोल रहे हैं. यहाँ पे आप लोग होल नंबर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम जब भी अपने नंबर लाइन यदि आप देखते होंगे, लेट मी ड्रॉ नंबर लाइन हियर. सपोज इट इज अ नंबर लाइन. तो आपने पिछली क्लास में पढ़ा कि यहाँ पे जितने भी लेफ्ट होते हैं ये नेगेटिव होते हैं और ये पॉजिटिव होते हैं. इनके सेट में जीरो भी होता है और हमें अभी पता चला है कि जीरो सिर्फ होल नंबर के अंदर होता है, नेचुरल नंबर के अंदर तो नहीं होता. सो मीन्स नेगेटिव की वैल्यू जो होती है और जो नेगेटिव और पॉजिटिव के सेट के अंदर जो ये जीरो आता है इसलिए ये होल नंबर का एक सेट बन जाता है. ओके. और एक और चीज़, जो नेगेटिव की जितना नंबर नेगेटिव का छोटा होगा उतना बड़ा होगा. तो नेगेटिव का सबसे बड़ा नंबर, नेगेटिव ग्रेटेस्ट नंबर है. ये आपको याद रखना है. -1 है नेगेटिव का ग्रेटेस्ट नंबर, -1 है. और पॉजिटिव का स्मॉलेस्ट नंबर +1 है.
-1 आपका सबसे बड़ा किस में है, नेगेटिव में है। जितना आप लेफ्ट की तरफ आते हैं उतना आपका नंबर बड़ा हो जाता है, जितना आप राइट की तरफ जाते हैं उतना नंबर आपका छोटा हो जाता है। नेगेटिव का स्मॉलेस्ट नंबर डिफाइन नहीं कर सकते, स्मॉलेस्ट डिफाइन नहीं हो सकता, इनफाइनाइट भी कर सकते हैं आप, और पॉजिटिव का ग्रेटेस्ट नहीं हो सकता, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। इसके अंदर आपको थोड़ा रेशनल नंबर के भी बारे में बताया गया, रेशनल नंबर आखिरकार क्या होते हैं। आप रेशनल नंबर अपने एक और चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो आप देख लीजिए रेशनल नंबर्स। ये नंबर्स बेसिकली वो नंबर्स होते हैं जो रिटर्न होते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में। और जो जीरो एंड जो क्यू की वैल्यू होती है ये जीरो के इक्वल नहीं होती है, और अगर ये जीरो के इक्वल नहीं होती है तो ये एक रेशनल नंबर हो जाता है आपका। आप बस अभी इतना ही जानिए, बाकी आप बाकी के चैप्टर्स में जानेंगे। फॉर एग्जाम्पल भी आपको दे देते हैं अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो, 7/1, -2/3, -5/4, -1/5, 0/5। अब आप बोल रहे हो कि यहाँ पे जीरो क्यों लगा, पी हो सकता है जीरो से इनफाइनाइट के बीच तक या इधर नेगेटिव के बीच तक, लेकिन हमारा ये जो ये न्यूमरेटर है कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। पी आपका क्यू आपका डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर हो सकता है जीरो। ओके इसके अंदर नेगेटिव भी होते हैं, फ्रैक्शन से रिलेटेड होता है। अब हम आ जाते हैं जो रिलेशनशिप होती है इनकी। सो रिलेशनशिप में सबसे ऊपर होते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर के बाद आता है आपका, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वहाँ पे ओलंपियाड्स में एक चार्ट दे देगा आपको बना के, उसके अंदर पूछेगा कि हाउ यू विल डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर एंड होल नंबर। रेशनल नंबर के अंदर आते हैं इंटीजर्स, इंटीजर्स एंड इंटीजर्स के अंदर आते हैं होल नंबर, एंड होल नंबर के आते हैं नेचुरल नंबर। ये आपका एक सिंपल सा वो है, चार्ट याद रखिएगा, एंड यू विल गेट दीज नोट्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। कुछ और टाइप्स के नंबर होते हैं जैसे इवन, इवन होते हैं आपके डेट आर डिविजिबल बाय टू, जो डिविजिबल होते हैं टू से टू। अब आप कैसे फाइंड करेंगे वो टू से डिविजिबल है, और द नंबर्स इन टेबल ऑफ टू, जो टेबल में आते हैं टू के। अब ये मत सोचिएगा कि आपका बस टू से लेके 20 तक ही आपका इवन नंबर है, नहीं, टू से लेके 20 के बाद भी आपका एक नंबर आता है, जैसे 2 11s 22 2 20s 40, ऐसे भी होता है। तो ये आपका टू से शुरू होके इसका टेबल इनफाइनाइट तक जाता है। और आपका दूसरा होता है ऑड नंबर, ये आपने पहले पढ़ रखा है तब भी एक रिवाइज हो जाएगा आपके लिए। ऑड नंबर होते हैं जो द नंबर्स रेदर देन इवन नंबर, जो नंबर्स रेदर मतलब इवन नंबर के अलावा, जैसे 1 3 5, एंड दे आर नॉट डिविजिबल बाय टू। या पे एक इंट्रोडक्शन वीडियो एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है आपका प्राइम नंबर, आपको पता है प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, उसके खुद के दो ही फैक्टर होते हैं सिर्फ, वो होता है एक वन और एक होता है द नंबर इटसेल्फ। अब कुछ एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको, जैसे कि सबसे छोटा प्राइम नंबर आपका टू होता है, स्मॉलेस्ट भी है, इसकी तीन गुण है आपके, स्मॉलेस्ट भी है, इवन भी है, इवन प्राइम है सिर्फ, अकेला इवन प्राइम है,
और नंबर थ्री है डैट, क्या कहते हैं हम, ये किसी भी नंबर से क्या कहते हैं थर्ड नहीं है, बस ये दो आप याद रखिए, बाकी आपके रेशनल नंबर का कंसेप्ट आ जाएगा, दैट विल बी हार्ड फॉर यू. ओके, सो आपका नेक्स्ट टॉपिक है कंपोजिट नंबर, और एग्जांपल्स भी दे देते हैं प्राइम नंबर के, 2, 3, 5, 7 एक्सेट्रा. ओके, नेक्स्ट है आपका प्राइम नंबर, सॉरी कंपोजिट नंबर. आपका कंपोजिट नंबर आपका वो नंबर नेचुरल नंबर्स होते हैं जो ग्रेटर होते हैं 1 से, और वो प्राइम भी नहीं होते हैं, और उनके अपने एक मतलब एक और अपने से ज़्यादा उनके फैक्टर्स होते हैं. जैसे जैसे हो गया एग्जांपल हो गया आपका 4 के फैक्टर्स जैसे हो जाएंगे आपके 2 हो ही गया, एक 1 भी है और वो खुद भी है, 3 हो गए ना, 2 तो नहीं है इसके, ऐसे ही आपका 6 भी हो गया, 8 भी हो गया, 6 का 2, 3, 1 and 4 और भी हो सकता है. अब आपको कमेंट में लिख के बताना है 8 और 10 का 10 के फैक्टर्स, ये आपका आज का होमवर्क है छोटा सा. आपको कुछ पॉइंट्स रिमेम्बर करने हैं कि जो 1 नंबर है ये तो ना ही एक प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है. टू जो है सिर्फ आपका इवन प्राइम है, और 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, टू से 100 के बीच में, सॉरी 1 से 100 के बीच में. ओके, सो लेट अस कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. अब आपसे एक नंबर लाइन पे अब हम मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आई डू हैव टू आंसर. एक नंबर लाइन हो गई है आपकी, एक क्वेश्चन से आपके एनसीईआरटी में कुछ इसी प्रकार है, लेकिन आपके ओलंपियाड्स में डाल देते हैं. -15 रिप्रेजेंट कौन करता है, फॉर एग्जांपल दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 5, दिस इज 10, दिस इज 15, दिस इज 20, दिस इज -1, दिस इज -5, दिस इज सी, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज डी. अब आपसे इन चारों में से पूछा गया कि -15 कौन सा रिप्रेजेंट करता है, तो आपको इसका स्केल देख रहा होगा कि इसके बीच में कौन सा स्केल है आपका. अब इसके अंदर 4 नंबर का स्केल है, मतलब 5 का टेबल यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे भी 5 ही का टेबल आपका चल ही रहा है, 5 का टेबल चल रहा है आपका, ठीक है. अब यहाँ पे तो 10 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 15 हो जाएगा, माइनस में आएगा, यहाँ पे -20, यहाँ पे -25. Therefore, A जो है वो बेटर रिप्रेजेंट करेगा -15 को. आपका जो एक टेम्परेचर, एक और क्वेश्चन देखिए, आपका जो इवनिंग का टेम्परेचर है वो रहता है -20 डिग्री सेल्सियस, मॉर्निंग का टेम्परेचर आपका रहता है -10 डिग्री सेल्सियस, और नाइट का टेम्परेचर आपका रहता है -30 डिग्री सेल्सियस. इसे तो आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, एंड व्हेन यू फील वार्म एंड कोल्ड, आप सबसे ज्यादा मोस्ट वार्म कब फील करते हैं एंड मोस्ट कोल्ड.
ओके सो आप पहले एक नंबर लाइन पे से रिप्रेजेंट करेंगे, सो लेट अस रिप्रेजेंट. तो पहले हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं एक नंबर लाइन पे से. ओके हो गया. सो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका ज़ीरो, ये हो जाएगा आपका -10, ये हो जाएगा आपका -20, ये हो जाएगा आपका -30. अब यहाँ पे आप कुछ इस प्रकार लिख देंगे कि आपका मॉर्निंग का है, ये आपका इवनिंग का है और ये आपका नाइट का है. यदि आपको पता हो कि हम जब भी, अभी आपने पढ़ा कि जब भी जितना आप राइट में जाते हैं उतना ही आपका जो नंबर है वो बड़ा होते जाता है. मतलब टेम्परेचर में जितना आप ऊपर जाते हैं उतनी ही आपको गर्मी लगती है. अबव सी लेवल एंड बिलो सी लेवल. अबव सी लेवल पे आपको ज़्यादा गर्मी लगेगी, बिलो सी लेवल पे ज़्यादा ठंडी लगेगी. फॉर एग्जाम्पल तो मॉर्निंग में आपका जो है ये सबसे ज़्यादा वार्म आपको लगेगा, यहाँ पे वार्म लगेगा और यहाँ पे मोस्ट कोल्ड लगेगा क्योंकि -30 degrees है. अब चलिए अब हम आ जाते हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करना है. देखिए पहले हम देख लेते हैं रूल्स फॉर एडिशन एंड एडिशन. एडिशन के रूल क्या है, आपके जब भी मतलब सेम साइन रहेंगे प्लस प्लस और माइनस माइनस, इन दोनों का जो होगा वो आएगा आपका हमेशा प्लस में. एग्जांपल देखिए इनका, एग्जांपल जैसे +2 +5. अब इसमें दोनों साइन है तो प्लस ही में आंसर आएगा, +7. अगर आपका -2 -7, मैं आपको ठीक है, माइनस माइनस आपका प्लस बन जाएगा और आंसर आपका आ जाएगा +9 का. अब आते हैं आपके डिफरेंट साइन पे. डिफरेंट साइन मीन्स प्लस माइनस प्लस और प्लस माइनस, हमेशा इसका माइनस ही होता है, माइनस और माइनस. और उस नंबर की यहाँ पे वैल्यू लगती है, जैसे एग्जांपल आप ले लीजिए -2 +2 +-5. अब प्लस 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 माइनस माइनस, माइनस करना है इसके अंदर आपकी जो बड़ी नंबर है साइन हटा दीजिए, बड़ा नंबर आपका 5 है, 5 में जो साइन है वो यहाँ पे आएगा और इसका जो भी आपका आंसर होगा यहाँ पे लिख दीजिए. आप आ जाइए क्वेश्चंस पे. -36 + -17, आपको इसके अंदर साइन देखने हैं, बड़ा साइन प्लस का है, माइनस होगा इसके अंदर. 36 को माइनस कीजिए 17 से, 36 - 17 30, यस 19, आपका आंसर 19 है, +19. अब आपका एक छोटा सा होमवर्क है, एक मिनट ये क्या हो गया, ये आपका एक छोटा सा होमवर्क है. 95 + -10, 95 - -10, 95 - -10, 95 - +10. आपको ये चारों करके लाने हैं. अब आपको अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो आप क्या करेंगे, देखिए सब्ट्रैक्शन अब ये थोड़ा हार्ड हो जाता है, बच्चे इसके अंदर बहुत गलती करते हैं. हार्ड कुछ नहीं, कुछ भी हार्ड नहीं होता इसके अंदर. आपको लगता है हार्ड है, कोई चीज़ हार्ड नहीं होती है, बस आपकी समझने का तरीके में थोड़ी गलती हो जाती है, अदरवाइज एवरीथिंग इज ईजी एंड बेटर. सस्पेंड उसका बेटर होता है, ओलंपियड्स नॉट टू मच हार्ड, वो एक स्कूल लेवल पे ही होते हैं, बट थोड़ी आपको क्लैरिटी नहीं होती है. ओके सब्ट्रैक्शन अब हम देख लेते हैं और फिर अब हम एनसीईआरटी के दो एक्सरसाइजेस को सॉल्व करके आपको मल्टीप्लिकेशन और
डिवीजन के बारे में बताएंगे। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक रहेगा। जैसे आप ले लीजिए, पहला लीजिए, आपको दिया है माइनस फाइव माइनस प्लस फोर। अब देखिए इसके अंदर क्या करना है कि आपका ये जो नंबर है, पहले नंबर का साइन ये चेंज नहीं होगा, ये तो चेंज नहीं होगा। आपको चेंज करना है सब्ट्रैक्शन साइन को एडिशन साइन में। ओके, यहाँ पे करते हैं, नहीं चेंज होगा पहला साइन, ठीक है, ये प्लस में हो जाएगा। अब आपको तीसरा क्या करना है कि चेंज करना है दूसरे नंबर का साइन। ओके, यहाँ पे आपका नंबर क्या आ गया, माइनस फोर। और अब आपको एडिशन का रूल यूज करके सीधे आंसर लिख देना है। कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है, डिफिकल्टी यहाँ पे आपको चेंज साइन करना है, और यहाँ पे भी लिख देता हूँ चेंज साइन ऑफ सेकेंड नंबर। यूज रूल ऑफ एडिशन टू गेट आंसर। वेट अ मिनट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ये पता ही होना चाहिए कि आपका जो रूल होता है एडिशन का, गेट आंसर के लिए बहुत जरूरी होता है। ओके, अब आपका माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, बड़ा साइन है माइनस का, माइनस नाइन आपका आंसर आ गया। एक और ऐसा ही देख लीजिए, जैसे आपको दिया है माइनस थ्री माइनस माइनस नाइन, इसका साइन चेंज कर दीजिए, माइनस थ्री प्लस नाइन प्लस प्लस सिक्स। एंड बच्चे क्या करते हैं, यू आर इन द ऑनलाइन क्लासेस एंड यू आर यूजिंग द कैलकुलेटर। द कैलकुलेटर इज स्ट्रिक्टली प्रोवाइडेड इन द एग्जाम्स इफ यू नो, सो नेवर यू विल यूज द कैलकुलेटर। आपका आंसर प्लस सिक्स में आ गया। कैसे आया, क्योंकि इसका साइन बड़ा हो गया। आपको यहाँ से कुछ भी नहीं लेना है, क्वेश्चन आप भूल जाओ, आपको सीधे पहले साइन चेंज करना है। उसके बाद जब ये सेकंड मेथड आएगा, इसी से जो भी आपको एडिशन का रूल जैसा रहेगा कि आपको साइन लेना है जिसका, उसका आप साइन लगाएंगे यहाँ पे, ये माइनस और प्लस का करेंगे माइनस, और यहाँ पे आंसर आ जाएगा माइनस सिक्स, प्लस सिक्स सॉरी। सो यू विल गेट दीज नोट्स, एंड दीज वर द टॉपिक्स दैट वी हैव अंडरस्टूड राइट नाउ। आई नो दैट यू विल बी हैविंग नो डाउट्स। In the next video, we'll be solving the integers exercise 1.1. So all of you take care. Till then, we are going to see you in the next video. Bye-bye.